तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आई कैन गारंटी यू 100% आपका ना कोई डर रहेगा स्विमिंग से, ना कोई फियर होगा, ना कोई फोबिया होगा, बिकॉज नाउ यू विल बी फ्रेंड्स विद वाटर. Hey guys, welcome back to Shakir Khan Fitness. आज स्विमिंग पूल में उतरने वाला हूँ और स्विमिंग करने वाला हूँ और देखेंगे आज कैसा होता है स्विमिंग, कौन से स्ट्रोक्स मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आज देखूंगा मैं पूल में उतर कर आफ्टर अ कम्प्लीट 3 months ऑफ रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन पोस्ट माई नी सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद. तो साथ ही साथ मैं आज आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स देने वाला हूँ स्विमिंग से रिलेटेड, जो आप अगर बिगिनर हो या एडवांस लेवल पे हो, आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं टू इम्प्रूव योर स्विमिंग और टू लर्न स्विमिंग एट अ वेरी बिगिनर स्टेज. तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और जानिए वो क्या प्रो टिप्स है जो आपको, जो आपका फियर है, जो फोबिया है स्विमिंग को लेकर या पानी से जो भी आपका डर है उसे निकालने में आपकी हेल्प करेंगे. प्लस आपको जल्द से जल्द स्विमिंग कैसे सीखना है उसके बारे में कुछ प्रो टिप्स दूंगा मैं आपको. एक भी टिप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका एक अलग ही रोल है स्विमिंग के अंदर. तो बने रहिए, डोंट स्किप द वीडियो फॉर इवन अ सेकेंड, डोंट ब्लिंक योर आईज, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओ भाई, तो यहाँ आप देख सकते हो स्विमिंग पूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है. इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं. ये खूबसूरत पानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द पानी में कूद जाए. तो चलिए चलते हैं. गाइस, टिप नंबर 1, बेसिकली यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद वाटर. पानी के साथ आपको दोस्ती करनी होगी, स्विमिंग से आपको एक रिश्ता कायम करना है. तो अगर आप कोई भी चीज़ के लिए, इफ़ यू नीड थिंग्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, यू नीड टू फॉर्म अ रिलेशनशिप. तो अगर आपको एक रिलेशनशिप भी फॉर्म करना होता है, जैसे कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उससे रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़े और उसके साथ में आप ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप कायम करें. तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बनाना होगा वाटर के साथ में. इफ़ यू वांट टू लर्न स्विमिंग या अगर आपको डर निकालना है, तो मेक रिलेशनशिप विद वाटर एंड थिंग्स विल वर्क बेटर. टिप नंबर 2 फॉर एनी रिलेशनशिप टू वर्क, अगर आप किसी से दोस्ती करते हो और अगर आप चाहते हो कि दोस्ती लंबे समय तक चले, तो उसकी सबसे पहली बुनियाद होती है ट्रस्ट. तो यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द वाटर. आपको पानी पे भरोसा रखना होगा और अपने आप को लेट गो करना होगा, अपने आप को एकदम कम्प्लीटली रिलाय करना होगा अपने दोस्त के साथ, जो कि आपका दोस्त फिलहाल स्विमिंग के वक्त आपका दोस्त होगा पानी, वाटर. तो यू नीड टू बी फ्रेंड्स विद वाटर, दैट इज़ द टिप नंबर 1. टिप नंबर 2, अगर आपको दोस्ती निभानी है तो आपको ट्रस्ट करना होगा. तो यू नीड टू बी रिलैक्स एंड काम व्हेन यू आर इनसाइड द वाटर. ओके, आगे और भी जानेंगे, बने रहिए वीडियो में. टिप नंबर 3, ना अभी जैसे कि आपने अगर दोस्ती कर ली है किसी के साथ में, तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको उससे मिलना जुलना और ये सारी चीज़ें करना होगा. तो सेम थिंग गोज़ विथ वाटर, सेम थिंग गोज़ विथ स्विमिंग. आपको प्रैक्टिस के लिए कंसिस्टेंसली आपको प्रैक्टिस करनी होगी. ये नहीं कि हफ्ते में एक दिन किया या दो दिन किया, आपको कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन अपने दोस्त से मिलने आना होगा, पानी में आना होगा, उसके साथ में मतलब स्विमिंग सीखना होगा बेसिकली. सो हियर व्हेन आई से दोस्त, इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर. टिप नंबर 4, आप अपने रिलेशनशिप में अपने दोस्त के साथ फाइट नहीं कर सकते हो. उसी तरह से जब आप स्विमिंग करते हो तो आपको अपने दोस्त यानी कि पानी के साथ लड़ना नहीं है. तो इसका मतलब ये है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो फाइट करते हैं वाटर के साथ में, उस तरह से आपको लड़ना नहीं है. यू हैव टू बी स्मूथ, यू हैव टू बी केयरिंग विथ योर फ्रेंड. तो इसी तरह से अगर आप पानी के साथ भी रहोगे स्मूथ एंड केयरिंग, तो इट विल हेल्प यू फ्लोट एंड हेल्प यू स्विम. तो ये है टिप नंबर 4. टिप नंबर 5, अभी जैसे कि आपने देख लिया कि कैसे हम लोगों ने टिप नंबर फोर तक के हमने कैसे स्विमिंग को मैनेज किया है, तो अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टिप नंबर 5 है वो ये है कि प्रैक्टिस
प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर चीज़ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप भूल जाते हो या फिर आप वीक हो जाते हो, आपका स्टैमिना कम हो जाता है. तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इसी तरह से स्विमिंग में भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. तो ये रहा हमारा टिप नंबर 5, और आगे बढ़ते हैं. एक लास्ट टिप बचा है आप लोगों के लिए, एक बोनस टिप. टिप नंबर 6, डोंट होल्ड grudges. अगर आप कोई भी रिलेशनशिप को वर्क करना चाहते हो तो यू can't होल्ड anything inside. सेम उसी तरह से अगर आप स्विमिंग अच्छी तरह से करना चाहते हो तो यू can't होल्ड योर ब्रेथ inside. यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ब्रेथ. तो इस तरह से अगर आप अगर कोई चीज़ को होल्ड नहीं करते हो, grudges नहीं होल्ड करते हो, तो आपका रिलेशनशिप वर्क करता है. उसी तरह से अगर आप ब्रीदिंग होल्ड नहीं करते हो और आप ठीक समय पर ठीक प्रॉपर टेक्निक के साथ अगर आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो आपका स्विमिंग भी वर्कआउट करता है ठीक तरीके से. तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मेरा यूनिक वे ऑफ टीचिंग स्विमिंग, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू 100% आपका ना कोई डर रहेगा स्विमिंग से, ना कोई फियर होगा, ना कोई फोबिया होगा, बिकॉज नाउ यू विल बी फ्रेंड्स विद वाटर, और आपका ये रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग रन तक चलने वाला है. तो अगर आपको ये वीडियो और ये यूनिक वे ऑफ टीचिंग मेरा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिसके साथ में आपका रिलेशनशिप आप वर्क करना चाहते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.